हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं बिना गन्ने के गन्ने का जूस, जिसे आप कभी भी घर पर जब मन चाहे बनाकर ले सकते हैं। इस जूस को आप घर पर बहुत ही आसानी से कुछ ही मिनटों में घर पर रखे कुछ ही इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से सविनम्र निवेदन है कि प्लीज़ अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हो, वीडियो अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। विदाउट शुगर केन का जूस बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है और इसमें डालेंगे हम क्रश किया हुआ गुड़। गुड़ आप उतना ही लीजिएगा जिस मात्रा में आपको शुगर केन जूस बनाना है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे एक कटोरी भरकर फ्रेश पुदीना के, साथ ही इसमें ऐड करेंगे एक छोटा टुकड़ा अदरक का। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा काला नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। काला नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा नींबू का रस। नींबू का रस भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़े से आइस क्यूब, आप इसकी जगह पर पानी का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम जार को बंद कर देंगे और इन सभी को पीस लेंगे। और ये देखिए, हमने सभी इंग्रेडिएंट को पीस करके एक फाइन गाढ़ा शुगर केन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए हमने यहाँ पर एक ग्लास लिया है और अब हम इस ग्लास के ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा लेमन जूस ग्लास को गार्निश करने के लिए। लेमन जूस लगाने के बाद अब हम एक प्लेट में थोड़ा सा काला नमक और लाल मिर्च पाउडर लेंगे और इन्हें मिक्स कर देंगे। और उसके बाद ग्लास के उस हिस्से को नमक और लाल मिर्च पाउडर से कोट कर लेंगे जिस हिस्से पर हमने लेमन जूस लगाया था। और ये देखिए, फाइनली ग्लास रेडी हो चुका है। और अब हम इस ग्लास में डालेंगे थोड़ी सी आइस क्यूब। आइस क्यूब ऐड करने के बाद अब हम ग्लास में ऐड करेंगे गुड़ वाला पेस्ट। गुड़ वाला पेस्ट हम उतना ही डालेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर एक छोटा सा ग्लास भर करके गुड़ वाला पेस्ट ऐड किया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल चिल्ड वाटर। और ये देखिए, फाइनली बिना गन्ने के गन्ने का जूस बनकर तैयार हो गया। और इसका कलर और टेक्स्चर और टेस्ट बिल्कुल गन्ने के जूस जैसा ही है। और इसे और भी सुंदर दिखने के लिए हम इसे गार्निश करेंगे एक लेमन स्लाइस और पुदीने की पत्ती से। मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा टेस्टी, कलर, टेक्सचर, टेस्ट बिल्कुल सेम, बिना शुगर केन जूस बनकर तैयार हो गया। तो इस रेसिपी को आप अपने घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप विदाउट शुगर केन मोहितो बनाना चाहते हैं तो बस आप इसमें पानी की जगह पर सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक ऐड कर दीजिए और आपका शुगर केन मोहितो बनकर रेडी हो जाएगा, वो भी बिना शुगर केन के। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है।